हरियाणवी कलाकार अमित सेन होता है बेटे का कल एक सड़क हादसे में निधन हो गया था और उसके बाद में पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री शोक में है और इस घटना के ऊपर कई हरियाणवी कलाकारों ने अपना दुख व्यक्त किया, अपना रिएक्शन दिया है। तो हरियाणवी सिंगर डांडा न्योलीवाला, केडी कांसाड़ा चैर और बकई की कलाकारों ने क्या क्या रिएक्शन दिया, चलो आज की इस वीडियो में बताने वाले है। तो भाई पहले बात करते हैं डांडा न्योलीवाला की। तो भाई डांडा न्योलीवाला ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है और उस स्टोरी में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक दुख है बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी और भगवान इस दुख की घड़ी में अमित सैनी को हौसला दे और लिखा है RIP रेस्ट इन पीस मन्नत बेटा और भाई गले लगने वाला इमोजी लग गया है। तो भाई डांडा ने भी बहुत दुख व्यक्त किया है। वो बात करते हैं हरियाणवी सिंगर केडी की। तो भाई केडी ने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है और स्टोरी में लिखा है दुखद, हाथ जोड़ते हुए शेड वाले इमोजी लगाए हैं। नीचे लिखा है लाड प्यार से पाले बच्चों को खोना शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, यह दर्द सहना आसान तो नहीं पर भाई अमित सैनी और उसके परिवार वालों के लिए परमात्मा से प्रार्थना है कि परिवार वालों को हिम्मत दे, नन्ही सी जान को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ओम शांति और फिर हाथ वाले इमोजी लगाए हैं। और केडी ने स्टोरी के साथ में एक पोस्ट भी की है। पोस्ट में लिखा कि हरियाणवी कलाकार अमित सैनी रोते क्या के बड़े बेटे के निधन पर भावनीय श्रद्धांजलि, भगवान बच्चे की आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, ओम शांति और शेड वाले इमोजी लगाए है। यहाँ पे भी भाई बहुत ही दुख हो रहा है सभी को। अब बात करते हैं देवेंद्र रावत की। तो भाई देवेंद्र रावत की स्टोरी मैंने सबसे पहले देखी थी और देवेंद्र रावत ने लिखा है कि साथी कलाकार अमित सैनी रोते क्या के बड़े बेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया, ईश्वर परिवार को हिम्मत दे और बेटे को अपने चरणों में जगह दे और अमित सैनी को टेक किया है और भाई बहुत ही दुख जताया है सभी ने। अब बात करते हैं कांसाड़ा चैर की। तो कांसाड़ा चैर ने लिखा है कि हरियाणवी कलाकार अमित सैनी रोते क्या के बड़े बेटे के निधन पर भावनीय श्रद्धांजलि और भगवान बच्चे की आत्मा को शांति दे। और जैसे इस मामले से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलती है हमारे चैनल पे आपको बता दी जाएगी। और भाई भगवान इस भाई की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे, ओम शांति।